हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मान सिंह जी सरदार जी और भगवान सिंह सरदार जी, अच्छी तरीके तुम्हें मालूम है ना कि मैं इस चंबल घाटी का मशहूर डाकू शैतान सिंह हूं। जी सरदार जी, मेरे नाम से सारी दुनिया खौफ खाती है। और मान सिंह, हाँ, साथियों को हुक्म दे दे चढ़ जाए पहाड़ी के चारों तरफ और मैं गुफा के अंदर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है सरदार जी, आप आराम करिए, हम लोग बड़े सावधानी के साथ रहेंगे। एक बात याद रखना। कहो। अगर काश कोई पुलिस का मुखबिर दिखाई देता है तो सलाम ज्यादा को गोलियों से भून देना। बहुत अच्छी बात है सरदार जी। और अगर कोई मजलूम मुसीबत का मारा हुआ हमसे मिलना चाहता है तो उसे बहुत इज्जत के साथ हमारे सामने पेश करना। ठीक है सरदार जी, जैसा आप बोले हो वैसा ही होगा। अपने अपने काम पे लग जाओ। ठीक है। क्या बताऊं दोस्तों, घर से तो बहुत दूर निकल आई हूँ, काली पहाड़ी और थोड़ी दूर बची है। चलते हुए डाकू शैतान सिंह के पास, लेकिन याद रखना मंजू बहन, अगर तुझको जहाँ से नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम अंजू नहीं, सारा दुनिया वाला ये अंजू की चाल देखिए। मैं कन्नौज से आई हूँ और शैतान सिंह से मिलना चाहती हूँ। शैतान सिंह से तेरा कौन सा काम है? हाँ, क्या आप शैतान सिंह हैं? नहीं। कौन है शैतान सिंह? शैतान सिंह से तेरा कौन सा काम पड़ गया? मेरा बहुत बड़ा जरूरी काम है, आप क्या मिला सकते हैं मुझको? हाँ, लेकिन ये बोल, कन्नौज रियासत की है तू? हाँ। महाराज नागपाल सिंह की बेटी है? हाँ, बड़ी बेटी अंजू हूँ मैं। ठीक है, चलो हम तुम्हें सरदार जी से मुलाकात कराते हैं। आओ, चलो चलो। सरदार जी, जय भवानी की। जय भवानी की। कौन है ये? महाराज नागपाल सिंह की बेटी अंजू है और आपसे बहुत जरूरी काम के लिए आई है। मान सिंह जी, सरदार जी, तुम लोगों ने इसे पहचानने में गलती तो नहीं किया? नहीं सरदार जी, मान सिंह की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। शायद भेष बदल कर पुलिस की मुखबिर हो सकती है। नहीं 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 नहीं। कौन है? सच सच बोल। मैं कोई पुलिस उलिस नहीं हूँ, मेरा नाम अंजू है, मैं कन्नौज से आई हूँ। मैं नागपाल सिंह की बड़ी बेटी अंजू हूँ। शैतान सिंह, आपके पास मैं
बहुत जरूरी काम से आई हूँ, वो भी आस लगाकर, फरियाद करकर। समझ गया कि तू मुसीबत की मारी। हाँ हाँ हाँ। और किसी जरूरी काम से मेरे पास आई है। बहुत जरूरी काम से आई हूँ मैं। तू शैतान सिंह को पहचानती है? पहचानती तो नहीं थी, लेकिन आज देख भी लिया और पहचान भी गई कि आप ही शैतान सिंह हैं। बहुत सही तूने पहचान लगाया है। हाँ शैतान सिंह। क्या नाम बताया तूने अपना? मेरा नाम अंजू है, अंजू देवी। अंजू? जी हाँ। बोल, तू कहना क्या चाहती है? और बड़ा जरूरी और आपसे एक हमारा काम। और भगवान सिंह, तुमने सुना? हाँ। 30,000 इनाम। काम फायदा क्या लगता है? हाँ सरदार जी। लड़की कहे सरदार जी? सुन मेरी बात, और नाम मेरा शैतान सिंह, और यूपी में मशहूर, और बतिला वो क्या काम है उसको। लाओ क्या काम है और उसको करूं मैं जरूर। बोल, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में मुझे 30,000 इनाम देगी तू? जरूर बतलाऊंगी सरदार। बोल। बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान सिंह, और करिए मदद मेरी। हाँ शैतान सिंह, बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आई हूँ मैं। और जरूरी काम क्या मुझसे पड़ा तुम जल्दी बतलाओ, और करूंगा काम मैं पूरा, न अपने दिल में घबराओ। दिल दो
पुराने अपने दिल में घबराओ करूंगा बोल आखिर तुझे कौन सी ऐसी मुसीबत है अरे मैं 30,000 में तो लाशों का ढेर और खून का सैलाब बहा सकता हूँ जरूर बतलाऊंगी शैतान सिंह बोल सुनो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ क्या बोली तूने हाँ शैतान सिंह मेरा पिता और बहन मेरी छोटी बहन मंजू मेरा दुश्मन बन चुके हैं तो तू अपने पिता और अपनी बहन का इस दुनिया से नाम मिटाना चाहती है हाँ उनका मैं खात्मा कराना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं सुन मेरी बात और की दौलती का आदि शैतान सिंह अच्छा दौलती और ले समझ आपका काम है हो गया काम तेरे इशारे और पर शैतान करे आज से तेरा बर्बाद महल हो गया तेरे इशारे और पर शैतान करे आज से तेरा बर्बाद महल हो गया अंजू मैं वचन देता हूँ और मां भवानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह शैतान सिंह तेरे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देगा हाँ शैतान सिंह यही मैं चाहती हूँ क्योंकि वो हरामजादी मेरी छोटी बहन मंजू ने मुझे नीचा दिखाया है जब तक उसको घर से बेघर करके इस जहां से नहीं मिटा दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी लेकिन कहिए एक बात मेरी समझ में नहीं आती कौन सी बात तू कन्नौज शहर के महाराज नागपाल सिंह की बेटी है हाँ हाँ धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ उस ऊपर वाले ने दे रखा है खुद है माल टाल खुद है तो फिर तू अपने पिता और अपनी बहन को चांस से क्यों मरवाना चाहती है इस बात पे क्योंकि मेरे पिता ने पूरी जमीन महल खजाने का मालिक उस
लगा दिया शैतान सेन, मैं अपमान का अपमान को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी शैतान सेन। इसका मतलब कि तू अपनी बहन और पिता को चांस से मरवा देने के बाद कन्नौज शहर की मालकन बनूंगी मैं। मालकन बनना चाहती है? जी हाँ। तेरा सपना पूरा होगा। पूरा होगा ना? शैतान सिंह वादा करता है। ठीक है शैतान सिंह। मान सिंह। हाँ सरदार जी। का इरादा बा है तोरा? अरे सरदार जी, 30,000 का जुगाड़ है, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना, बढ़िया खर्चा चलेगा। अरे इतने समय खर्चा नहीं चल। भगवान सिंह। हाँ सरदार जी। तेरा क्या इरादा है? बढ़िया सरदार जी, इतने समय खर्चा नहीं चल रहा कोई। सुना, जब शैतान सिंह के गैंग का हर शख्स कह सकता है तो तेरा काम जरूर होगा, जरूर होगा। ठीक है शैतान सिंह, जिस दिन तुम मेरा काम पूरा कर दोगे उस दिन मैं तुमको माला माल कर दूंगी, और उसके बदले में मालूम है? बोल। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। क्या? तू दुनिया की सबसे अमीर शहजादी बनने का ख्वाब देख रही है? हाँ सरदार। और मुझे मुझे सिर्फ 30,000 रुपए की लालच दिखा रही है। अंजू, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हम वादा करता हूँ कि मैं तेरा काम पूरा करूँगा, तेरे सारे दुश्मनों का इस दुनिया से नाम मिटा दूंगा, लेकिन अगर तू हमारा साथ दे तो। मैं दूंगी साथ, आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। शैतान सिंह के पास दौलत और माल सब कुछ है, लेकिन इस चंबल घाटी की झाड़ियों में सिर्फ ऐशो आराम की जरूरत है मुझे। ऐशो आराम। इसलिए अगर तू अपने आप को, अपने जिस्म को शैतान सिंह के हवाले कर दे तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। शैतान सिंह। बोल। तुम्हारे ही अड्डे पर मैं खड़ी हूँ, आप जो दिलाए जो मनाए वो कह सकते हैं और सुना सकते हैं, कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अंजू, मुझे सब मंजूर है। भवानी कसम, क्या कहूँ क्या ना कहूँ रे। कहिए कहिए, इसमें सोचा विचार करने कोई जरूरत नहीं है। जी सरदार जी। लड़की हर तरह से तैयार है। हाँ, आखिर मोटी बाल्टी है। बोलो, क्या कहना चाहते हो सरदार जी? आजा, तुझे दिली ने पुकारा। बंदूक धर दीजिए पहले। और रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आजा तुझको हाँ, आजा तुझको दिल ने पुकारा। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। ओ
आरती यही है तेरी या मेरी सच बात यही है। चाहती हो? कह दूं। बोलो। कह दूं। शैतान सिंह से कहना क्या चाहती हो? और साथिया नहीं जाना। शैतान सिंह बोल बोल। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया की सौगंध मैं बहुत जल्द तेरे दुश्मन का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। ठीक है शैतान सिंह, मैं जा रही हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है और याद रहे ना तुम मेरे प्यार को भूलना और ना ही तो मेरे काम को भूलना। प्यार क्यों भूलने की बात करती है? हाँ अंजू, मैं वादा करता हूं कि मैं ता उम्र तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। और तू भूलने की बात करती है और इस दिल में अच्छा क्या रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा है तेरा ही नाम लिखा। चीर के देखो दिल मेरा तेरा ही नाम लिखा रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा। मेरी जान, आज से शैतान सिंह के सीने में सिर्फ तेरा ही नाम होगा। ठीक है, तेरा ही नाम होगा। और जाओ, मेरे वापस आने तक का इंतजार करो मेरी जान। मैं जा रही हूँ। बाय 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 बाय। माल सिंह। सरदार जी। और भगवान सिंह जी। सरदार जी। अरे पैसा। आ वाह सरदार जी वाह।
तुमसे प्यार क्या कर लिया, तुम तो सब कुछ भूल गए। ना मन सिंहवाना, मैं प्यार में नहीं हंसा रे, शैतान सिंह को सोच कर हंसा है। शायद तुम दोनों, हाँ, तुम दोनों के दिमाग में सोच कभी पैदा नहीं हो सकती। वो कौन सी बात है मान सिंह? हाँ, हमारा काफिला 10,000, 20,000, 50,000 के लिए अपने चांद को हथेली पर रखकर डकैती डालते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत सही। मालूम नहीं किसके सीने में किस गोली का नाम लिखा हुआ है। हाँ, और आज अथाह दौलत, अथाह संपदा खुद चलकर मेरे पास आ गई मान सिंह। अरे वो बात तो ठीक है। ये सोचती है, ये अंधू सोचती है कि मैं शैतान सिंह को अपने हुस्न, अपने प्यार, अपनी जवानी में दीवाना बना दिया। ना मान सिंह ना, अरे शैतान सिंह इसके जिस्म और जवानी का भूखा नहीं। शैतान सिंह तो सिर्फ इसकी दौलत का भूखा है। वक्त आने दे, ऐसी जगह ससुरी को मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा जहां एक बूंद साली पानी नहीं पाएगी। बहुत अच्छी बात सर। और खुद मैं कन्नौज शहर का बेताज बादशाह बन बैठूंगा। वाह सरदार जी, दिमाग तो बहुत तेज चलता है आपका। हमारा आइडिया अच्छा है ना? हाँ। तो उठाओ अपनी अपनी बंदूकें, उठाओ और आज ही हमें पहाड़ी के पीछे बगीचे की तरफ सैर करने चलना है। हाँ। और जैसे ही शाम का सूरज होगा, हम कन्नौज शहर में हमारा काफिला हमला कर देगा। आओ चलते हैं। आओ, जय भवानी की, जय माता भवानी की। आओ।